हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मेयोनीज सैंडविच बनाए हैं और बहुत ही अच्छे सैंडविचेस बने हैं। देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा आया है और बनाना कितने आसान हैं। और आइए आपको बताते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। हमने चार ब्रेड ले ली हैं, दो टमाटर लिए, एक प्याज है मीडियम साइज़ का, खीरा है, बटर है, मेयोनीज है। तो हम सबसे पहले इन स्लाइसेस की साइज़ अलग कर लेंगे और बहुत ज़्यादा गहरी नहीं अलग करेंगे बस। और ये हमने खीरा इस तरह से इसको रब कर इसकी कड़वाहट को निकाल लेना है। आप दोनों साइड से किया कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से कड़वाहट निकलती है। देख सकते हैं आप कितने सारे झाग निकल आए। तो अच्छे से आप रब करेंगे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कड़वा ना रहे हमारा खीरा, क्योंकि सैंडविचेस में बहुत बुरा लगता है। तो हमने उस खीरे को जो हम छील रहे थे, देखें इस तरह चॉपर में डालकर इस साइज़ के क्यूब्स कर लिए हैं, चॉप कर लिया है। आप हाथ से कर सकते हैं। तो मैंने एक टमाटर जो आपको दिखाया था वो भी और प्याज भी चॉप कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा स्क्वीज़ कर दूंगी खीरे को और उसके बाद खीरा भी मिला दूंगी। प्याज, टमाटर, खीरा हमारा तैयार है। तो मुझे सैलड ज़्यादा लग रही है तो मैंने थोड़ी सी बोल में कम कर लिया। और बटर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर रहे बटर। तो जो हमने ब्रेड की साइड्स निकाली थी उनको बीच में से हमने इक्वली डिवाइड कर लिया है, काट कर लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। बहुत ही अच्छा लगता है मेयोनीज सैंडविच में बटर। तो यहाँ पर ये मैंने हर्बल चटनी ली है, हरे धनिए, हरी मिर्च, लहसुन और इसमें थोड़ा सा थोड़ी पीली मिर्च और नमक डली हुई है। हमारी घर की नॉर्मल चटनी है जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, तो वही चटनी है। तो हम इस तरह से चटनी को थोड़ा थोड़ा इन ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और हमें फोर साइड सिंगल रहने देनी है, यानी कुछ नहीं लगाना है। और फोर साइड्स पर हमने बटर और चटनी लगा दी है। तो मैंने सैलड थोड़ी कम कर ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने एक बोल में, सेपरेट बोल में अंदाजे से निकाल ली है अपने आइडिए से। और उसके बाद मैं उसमें मेयोनीज, ये अगले मेयोनीज है, आप जिस तरह के फ्लेवर में खाना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेयोनीज को इसमें मिला देंगे लगभग एक स्पून के करीब, एक बड़ा स्पून जो होता है उसके करीब मैंने मिला दिया। आप जितनी खाना चाहते हो ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा रिच बनाना चाहें सैंडविचेस को तो थोड़ी और ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये सैलड जो है हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से ब्रेड के ऊपर, और इनके जो कवर्स हैं वो लगा देंगे, टॉप्स लगा देंगे। और मैं आपको दो तरह से सैंडविचेस सेकना बताऊंगी। तो मैंने एक फ्लैट तवा लिया है, बिल्कुल प्लेन वाला, उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था देसी घी से। आप चाहे रिफाइंड से कर लीजिएगा। हल्का सा ग्रीस करने के बाद मैंने देखें इस तरह से सेक लेना है। ये हमारे प्लेन तवे पर बनाए हुए सैंडविचेस हैं, मेयोनीज सैंडविच। और थोड़ा सा हमने ये घी लगा दिया है ऊपर से, देसी घी, तो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, ये सेक जाएंगे, इनके ऊपर कलर भी अच्छा आ जाएगा। और एक मैं देखें इस तवे पर मार्क्स लाने के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने इस तवे पर इस तरह से थोड़ा सा घी डालकर, और एक एक सैंडविच या दो भी आप एक साथ रख सकते हैं। तो अच्छे से स्पून से, स्पैचुला से आप इसको प्रेस कर दें, थोड़ा टाइट हाथों से प्रेस करें ताकि सैंडविच के ऊपर मार्क्स आ जाएं। तो हम दबाते हुए से प्रेस करते हुए देखें, आपको दिखाते हैं पलटकर, सैंडविच के ऊपर मार्क्स आ गए हैं। और देखें दोनों साइड से हमने सेक लिया है। थोड़ा सा हमने घी दूसरी साइड में भी लगा दिया था। और कितनी जल्दी और बहुत ही अच्छे, टेस्टी और हेल्दी हमारे सैंडविचेस बन गए। आपके पास इस तरह का पैन ना हो तो आप प्लेन तवे पर बना लें, और इस तरह का हो तो इस तरह बना लें। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत जल्दी बन गए। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, सुबह नाश्ते में बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा देसी घी ऊपर से देखें इस तरह से सेकने के बीच में लगा देंगे तो और अच्छे बन जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं पैन में थोड़ा सा देसी घी डालकर बाकी के भी सैंडविचेज इस तरह बना लूँगी। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और सिंपली आप इनको बना लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा अलट पलट दें और बस तैयार है ये। मुश्किल से हमें 10 मिनट लगे होंगे इन सैंडविचेस को बनाने में, तो बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है ये। कभी कभी समझ में नहीं आता हम क्या बनाएं, क्या बच्चों को बना कर दें जिससे बच्चे हमारे खुशी खुशी खा लें और हमारी मेहनत भी कामयाब हो जाए और बच्चे लंच ले जाएं स्कूल तो वापस न लाएं। आप केचप के साथ उन्हें दे दीजिएगा, ऐसे ही दे दीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी मैंने नहीं बनाए, सिर्फ चटनी का ही यूज़ किया है, तो सिर्फ चटनी से ही इनका मज़ा बहुत अच्छा हो गया। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बच्चे तो बहुत खुशी से दौड़ दौड़ कर खाएंगे इन सैंडविचेस को। सैंडविचेस तो सभी को पसंद होते हैं, किसे पसंद नहीं होते, सभी सैंडविचेस, हर तरह के सैंडविचेस खाना चाहते हैं और सैंडविचेस की इतनी वैरायटी है, तो हर तरह के सैंडविचेस बनाना पॉसिबल हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से और बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। ओके, फिर मिलते हैं एक नई